हमारी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन भी बहुत ही इफ़ेक्ट डालते हैं और हम जो भी छोटे डिसीजन लेते हैं उसमें भी अच्छा खासा टाइम खर्च कर देते हैं। जैसे हम किसी की शादी में जाएंगे तब कौन से ड्रेस पहनेंगे, कौन से शूज पहनेंगे, इसमें भी अपना अच्छा खासा टाइम खर्च करते हैं। तो क्या हमें 10वीं के बाद, 10th के बाद अपना जो भी आगे आने वाला सब्जेक्ट है, अपना जो भी करियर है, कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे, किस आधार पर कौन सा करियर होगा, इसमें टाइम खर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र शर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रो महेंद्र शर्मा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप 10वीं के बाद सब्जेक्ट चुन सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारा कॉन्टेंट है जो कि सब्जेक्ट 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम चुने ये सब डाला हुआ है, लेकिन ये जो वीडियो है बहुत ही थोड़ा अलग है, उनसे हटकर है। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। आपने 6th से लेकर 10वीं तक अभी तक बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, हिंदी, ह्यूमैनिटीज, सामाजिक विज्ञान, मैथ, साइंस, ये सब पढ़ चुके होंगे। इनमें से अब आपका जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा वो आपको लगभग पता ही होगा। जैसे किसी के गणित को फॉर्मूला वगैरह ये क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने में अच्छा लगता है, विज्ञान के जो प्रैक्टिकल होते हैं उनको करने में अच्छा लगता है, जो भी लैब वगैरह में। ज़्यादातर स्कूलों में तो लैब की क्या बात करें, सिर्फ नाम मंत्र की लैब होती हैं कि स्कूल में लैब है, हाँ जी है, बस उसमें प्रैक्टिकल वगैरह का तो कुछ नाम होता ही नहीं है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। कुछ पॉइंट्स है जिसके जानकर हम अपने सब्जेक्ट को चूज करेंगे। जैसे सबसे पहला है इंटरेस्ट यानी कि रुचि। किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है ये कैसे जाने, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको अच्छा लगता है। वैसे पढ़ना तो लगभग 99% स्टडी करना तो अच्छा लगता ही नहीं है, वैसे फिर भी आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है ये कैसे जाने, डिफाइन कैसे करें। तो मान लीजिए आपके सामने 3 बुक रखी हुई हैं, एक है मैथ की, दूसरी है ह्यूमैनिटीज़ की और तीसरी है, ह्यूमैनिटीज़ मतलब सामाजिक विज्ञान या फिर इतिहास वगैरह, और तीसरी है वो हो गई साइंस की। अब इनमें से आप कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ने में प्रायोरिटी देंगे? सबसे पहले अगर आपके सामने ये 3 रखी हुई हैं तो आप किस बुक को पढ़ना पसंद करेंगे वो सबसे पहले हो गई प्रायोरिटी में, यानी कि अगर आपने साइंस को प्रायोरिटी दी तो आपका इंटरेस्ट साइंस के अंदर है, या फिर आप कर्म वाई इन सबको प्रायोरिटी के आधार पर कट भी कर सकते हैं कि जैसे हिंदी या फिर ह्यूमैनिटीज़ वगैरह पढ़ने में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो इनको कट कर दीजिए। अब पीछे बची मैथ और साइंस, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा टाइम वगैरह खर्च करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कब इतना समय निकल गया और इतने सवाल सॉल्व वगैरह हो गए। अब इनको भी आप अच्छे से कट करके आप अब पीछे जो भी बचा सब्जेक्ट है वो हो गया आपका इंटरेस्ट। दूसरी बात, आपका गोल क्या है लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, आप अपने को किस एज पर कौन सी पोजीशन पर देखना चाहते हो, अपने फैमिली को किस पोजीशन पर देखना चाहते हो, आपका गोल क्या है लाइफ के अंदर, यही होता है। बहुत सारे बच्चों का होता है डॉक्टर, इंजीनियर, CA, IAS, ये सब गोल होते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है किसी को जैसे बहुत सारे ट्रेंड में चल रहे हैं कि IAS की एंट्री, IAS का दबदबा, ऐसा कुछ देकर अपना गोल बना बैठते हैं बच्चे, उनके पीछे पूरी स्टडी करते नहीं हैं और वो गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे तो यही बनना है। आप अच्छे से किसी भी चीज़ का निर्णय लें, टाइम ज़रूर लगाएं, बाद में पछतावा ना हो, इसलिए अभी जो टाइम है उसका अच्छे से यूज़ कीजिए। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब है उनकी अच्छे से लिस्ट बनाइए आप, और प्रायोरिटी के आधार पर आप उनको कट करते जाइए नीचे से कि मुझे ये बिल्कुल करनी ही नहीं है। जैसे किसी को पुलिस की जॉब तो करनी नहीं है तो उसको अच्छे से कट कर दीजिए, किसी को डॉक्टर तो बनना ही नहीं है तो उसको अच्छे से कट कर दीजिए। अब जो पीछे जॉब बचेगी उनमें कौन सा सब्जेक्ट लेना होता ज़रूरी है वो आप डिफाइन अच्छे से कर सकते हैं। फिर पीछे 3 या 4 जॉब ही बचेंगी जिसके अंदर आपको कौन सी सबसे प्रायोरिटी लास्ट में क्या रहती है और उस पोस्ट को लेने के लिए आपको कौन सी स्ट्रीम चुननी पड़ेगी और कौन सा सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, तो आपको इस आधार पर भी आपका सब्जेक्ट डिफाइन हो जाएगा। आप जो अपना सब्जेक्ट है किसी के भी प्रेशर में आकर डिफाइन ना करें कि मुझे, या फिर किसी के माता पिता ने बोल दिया हो या फिर किसी के फ्रेंड्स वगैरह ले रहे हैं कि ये सब्जेक्ट ले ले अच्छा हो, तो उनको अच्छे से पूछे, उनके फैक्ट पूछे आप किस आधार पर ये सब्जेक्ट ले रहे हैं, उनके पीछे पीछे भेड़ चाल की तरह सब्जेक्ट बिल्कुल ना लेवे। तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही ज़रूरी है और ये आपको काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपके करियर को लेकर, आपके सब्जेक्ट को लेकर, कि हमारे जो अभी इंडिया है इसको आने वाले टाइम में किस पोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी वो पोस्ट हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है भारत में,
इन सब को पोस्ट को पता करने के लिए आप YouTube पर अच्छा बहुत ही महान लोगों द्वारा कंटेंट डाला गया है YouTube पर, जैसे कि एक विवेक बिंद्रा जी का वीडियो है, वो है वर्ल्ड इन 2050, और एक हेमेश मदान जी का वीडियो है, वो है 2030 के अंदर भारत कैसा होगा, और संदीप माहेश्वरी जी का भी एक अभी वीडियो आया है जो कि फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी है। इन सब में आपको अच्छे से देखेंगे तो आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ जी, इस पोस्ट की आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत ही ज़रूरत हो सकती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है तो कंप्यूटर या ग्राफिक डिज़ाइनर, इन सब की पोस्ट की बहुत ही ज़रूरत होगी। बहुत सारी पोस्ट हैं जिनकी आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़रूरत होगी, तो इनको आप अच्छे से डिफाइन करें, अच्छे से वीडियो देखें, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और अपने माइंड को जो है थोड़ा खुला करें ताकि आपका माइंड सोच सके कि हाँ कहाँ पर चाह है वहाँ पर राह अपने आप दिख जाएगी आपको। जहाँ पर ज़रूरत होगी वो सब्जेक्ट चुनेंगे तो आपका करियर बिल्कुल सेट है। अब एक अच्छे से यही बात है कि आप अच्छा सा एक पेपर लें, पेन लें, और अपने जो भी विचार चल रहे हैं, द्वंद चल रहे हैं, उनको अच्छे से लिखें और उनको कट करते जाएं, प्रायोरिटी दें, डिफ़ाइन करें कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, आपका गोल क्या है, आपको उस चीज़ की जो भी इंटरेस्ट है उसके अंदर नॉलेज कितना है। इन सब को अच्छे से आप डिफ़ाइन करें और अच्छा सा एक सब्जेक्ट चुनें और अपनी फील्ड के बहुत ही बेहतर पर्सनैलिटी वाले आदमी बने। मुझे यकीन है कि आप जो भी सब्जेक्ट चुनेंगे आप बहुत ही अच्छा चुनेंगे, सोच समझ कर चुनेंगे, जिससे आपका करियर सेट हो अच्छे से। और आप अपने माता पिता अगर आपको प्रेशर दे रहे हैं कि आप साइंस चुनो या फिर आप कॉमर्स चुनो, और वो क्या बोलते हैं, वो समाज को देखते हैं कि हाँ इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा पैसा है, रिस्पेक्ट वगैरह है, तो उनकी भी बात सुने। लेकिन अगर आपने डिसाइन कर लिया है और आपके पास फैक्ट है तो आप अपने माता पिता को अच्छे से कन्वाइस करें। अगर आपने उनको कन्वाइस नहीं किया और आप सब्जेक्ट चुन लिया तो आप जब भी आगे पढ़ाई करेंगे थोड़ा आपके ऊपर प्रेशर होगा कि मेरे पिताजी ने या फिर माँ ने ऐसा बोला, ये सब्जेक्ट लो, अब मैं ये पढ़ रहा हूँ और इसमें कुछ कुछ खास दिख नहीं रहा। हर समय के बाद अब हमारा मन है जो बदलता रहता है, मन का यही काम है, अभी यहाँ पर खड़े हैं तो कल वहाँ पर खड़ा होना उसको बदलता रहता है। तो आप अच्छे से अपने माता पिता को कन्वाइस करें कि मैंने इस आधार पर यह सब्जेक्ट लिया है, और आपके माता पिता बोल रहे हैं कि आप सब्जेक्ट ये लो तो उनको पूछे कि आपने किस आधार पर कहा कि ये सब्जेक्ट लो। तो कुल मिलाकर आपके माता पिता को कन्विंस करें कि मैंने ये सब्जेक्ट लिया है, और किसी के प्रेशर में आकर, किसी के भी प्रेशर में आकर आप अपना सब्जेक्ट चूज ना करें। और कौन सी स्ट्रीम के अंदर, जैसे आर्ट्स के अंदर, साइंस के अंदर, कॉमर्स के अंदर कौन कौन से प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं, इन पर भी मैं आने वाले टाइम में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आप अपने हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्रो महेश शर्मा, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।